हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, और पिछले पार्ट में हमने कैपिटल के बारे में, लायबिलिटीज और उसके टाइप्स के बारे में, एसेट्स एंड उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम और इम्पोर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आपको मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनका उस सब्जेक्ट में बार बार प्रयोग होता है। तो आज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे सबसे पहले ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग, तो ड्राइंग को हिंदी में आहरण कहा जाता है। तो ड्राइंग आहरण क्या होता है? तो जब जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, वो बिजनेस से, व्यवसाय से अपने पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए या तो कैश निकाल लेता है या तो फिर वस्तुएं निकाल लेता है, उसको कहते हैं हम ड्राइंग। तो जब व्यापारी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से या तो धन निकाल लेता है या तो वस्तुएं निकाल लेता है, उसको कहते हैं हम ड्राइंग। और आपको मैंने पहले कहा था कि अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर इन बिजनेस नोन एज कैपिटल। जब वो इन्वेस्टमेंट करता जाएगा तो उसको कैपिटल बोलेंगे, और जब वो अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालता जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग। तो ड्राइंग से क्या होता है? जब वो ड्रॉ करता जाएगा अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से पैसा निकालता जाएगा, वस्तुएं निकालता जाएगा, तो उससे उसकी कैपिटल में क्या आती है? कमी। उससे उसकी कैपिटल में क्या आती है? कमी। तो ये बता दिया आपको ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग हो गया जब व्यापारी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यवसाय से धन या वस्तुएं निकाल लेते हैं, उसको हम ड्राइंग या आहरण कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक। तो स्टॉक को हम हिंदी में कहते हैं सकंद या रहतिया। तो वर्ष के अंत तक जो माल बिकता नहीं है उसको हम कहते हैं स्टॉक। तो अनसोल्ड गुड्स नोन एज स्टॉक। तो वर्ष के अंत तक जो माल बिकता नहीं है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। और वर्ष के प्रारंभ में, नेक्स्ट ईयर्स, वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो जब आपको आएगा स्टॉक, स्टॉक क्या है? तो जो माल वर्ष के अंत तक बिकता नहीं है, तो अनसोल्ड गुड्स, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और नेक्स्ट ईयर जो क्लोजिंग स्टॉक है वही क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है डेटर्स। तो डेटर्स को हम हिंदी में कहते हैं देनदार। तो देनदार कौन होते हैं? जिन्होंने व्यवसाय को पैसा देना होता है। तो ये हो गया बिजनेस। तो इन्होंने क्या करना होता है? बिजनेस को पैसा देना होता है, तो इसलिए ये क्या बन गए? ये बन गए देनदार। इन्होंने पैसा क्या करना होता है? बिजनेस को देना होता है। अब क्यों देना होता है? क्योंकि बिजनेस ने इनको उधार माल बेचा होता है, इसलिए इन्होंने जब उधार खरीदा है तो ये बिजनेस को क्या करेंगे? पैसा देंगे। तो ये हो गए डेटर्स। तो डेटर्स जिन्होंने व्यवसाय को धन जो है देना होता है उनको बोलते हैं डेटर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं वो जिन्होंने व्यवसाय से पैसा लेना होता है, तो ये होते हैं लेनदार। इनको क्या बोला जाता है? लेनदार। तो इन्होंने क्या करना होता है? व्यवसाय से पैसा लेना होता है। अब क्यों लेना होता है? क्योंकि व्यवसाय ने, बिजनेस ने इनसे उधार माल खरीदा होता है, ठीक है। तो जब बिजनेस ने इनसे उधार माल जो है खरीदा हुआ है, क्रेडिट परचेज की है, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बिजनेस को इनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये हो गए लेनदार। तो लेनदार हो गए लेने वाले, तो इन्होंने लेना है बिजनेस से, और देनदार हो गए देने वाले, जिन्होंने बिजनेस को क्या करना होता है? देना होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास गुड्स। गुड्स को हम सामान या माल कहते हैं। तो गुड्स में क्या जाते हैं हम? उन सभी वस्तुओं को, तो जो वस्तुएं जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो बेचने के उद्देश्य से क्या करता है? खरीदता है। मतलब जो जो हम खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उनको बेचना। तो उन सब को हम क्या कहते हैं? गुड्स। तो माल क्या हुआ? जिन्हें व्यापारी बेचने के उद्देश्य से क्या करता है? खरीदता है, उनको हम कहते हैं गुड्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्काउंट।
तो इसको मैं आपको यहां समझाता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जब आपको इनके बारे में पता लग जाएगा तो डिस्काउंट के बारे में भी पता लग जाएगा। तो पहले मैं इनके बारे में समझाता हूं आपको। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो हम डेटर से, जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हो गए देनदार, जिन्होंने व्यवसाय को पैसा क्या करना होता है, देना होता है। तो जब हम डेटर से जल्दी पैसा कलेक्ट करने के लिए, जैसे सपोज हमने किसी को सामान जो है वो उधार बेचा 3 मंथ के लिए, 3 महीने के लिए हमने उधार बेच दिया, अब जो पेमेंट है वो हमारे को कब आएगी, वो आएगी आफ्टर 3 मंथ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे को जल्दी पेमेंट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमने 10,000 रुपीज का क्या किया है, उधार माल बेचा हुआ है, तो हमने 3 महीने के बाद उससे कितना लेना है, 10,000 रुपए लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे को 1 महीने के बाद जो है जरूरत पड़ जाती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। तो डिस्काउंट मतलब हम उसको कहेंगे कि आप ऐसा करो, हमारे को 10,000 की जगह 9,500 पे करो और हम जो है आपको क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो इसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जो डेटर से जल्दी पैसा कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो जो किसको दिया जाता है, डेटर्स को, ताकि हमारे को जल्दी पैसा क्या हो जाए, रिकवर हो जाए, उसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट क्या हुआ, जो डेटर से जल्दी पैसा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। अब आ जाता है दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, टू इंक्रीज द सेल, बिक्री को बढ़ाने के लिए। जब हम बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। जैसे हम लिखेंगे 10% ऑफ या 20% ऑफ या 50% ऑफ, तो जो हमने ये दिया, ये जो ऑफ करते हैं, या हम सेल सेल लिखते हैं, ठीक है, तो वो जो डिस्काउंट होता है वो होता है टू इंक्रीज द सेल, बिक्री को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये बता दिया आपको कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या हुआ, कैश डिस्काउंट होता है जब हम डेटर से जल्दी पैसा कलेक्ट करने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं उसको कैश डिस्काउंट, और जब बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से हम जो छोड़ देते हैं अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो छूट क्या हुई, तो डिस्काउंट होता है जब हम डेटर से जल्दी पैसा कलेक्ट करने के लिए या बिक्री को बढ़ाने के लिए जो हम छूट देते हैं, ठीक है, या जो हम कम पैसा जो है लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने टाइप्स का हो गया, टू टाइप्स का, एक हो गया कैश, एक हो गया ट्रेड। तो आपको मैंने बता दिया कैश किसको दिया जाता है, डेटर्स को जल्दी पैसा कलेक्ट करने के लिए, और ट्रेड होता है बिक्री को बढ़ाने के लिए। तो हमने डिस्कस कर लिया डिस्काउंट के बारे में। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बैड डेब्ट्स के बारे में, डूबत ऋण या अप्राप्य ऋण भी हम इसको कहते हैं। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, यह एक ऐसा अमाउंट है जिसके मिलने की पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है, संभावना नहीं रहती है। जैसे हमने किसी को उधार माल दिया, ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि वो हमारे को क्या करेगा, पेमेंट ही नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स, अप्राप्य ऋण, या इसको डूबत ऋण भी हम कहते हैं। तो ऐसा अमाउंट जिसके मिलने की संभावना ही नहीं रहती, उसको बोलते हैं हम बैड डेब्ट्स। इसके बाद हम और डिस्कस करते हैं जैसे सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को हम हिंदी में कहते हैं साहूकार। तो साहूकार कौन होता है, सॉल्वेंट होता है वो जो अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए क्या हो, सक्षम हो। जैसे किसी ने क्या किया, लोन लिया है, और लोन की पेमेंट करने के लिए क्या हो, जो सक्षम हो, मतलब लोन का टाइमली टाइमली क्या करता रहे, वो पेमेंट करता रहे, उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट साहूकार। अब अगर सॉल्वेंट के साथ इनसॉल्वेंट लगता है, इनसॉल्वेंट लगता है, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं दिवालिया। तो दिवालिया कौन होता है, दिवालिया होता है वो
जिसने लोन लिया होता है, ऋण लिया होता है, और वो अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए असमर्थ हो जाता है, उसकी कैपेसिटी नहीं रहती है ऋण को पेमेंट करने के लिए, उसके पास सोर्स ही नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट, उसको बोलते हैं हम दिवालिया। और जो अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए सक्षम हो उसको साहूकार, सॉल्वेंट, और जो अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम ही ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो आपको क्या किया मैंने, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट के बारे में क्या कर दिया, ये बता दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट और देख लेते हैं टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या होती है, तो जब हम जो सेल है, तो सेल हमारी जो है होती है एक कैश सेल, एक होती है क्रेडिट सेल। कैश होता है जो हमने नगद में बेचा, और क्रेडिट होता है जो हमने उधार बेचा। जैसे हम यहां ले लेते हैं एग्जांपल कि 40,000 रुपीज का हमने कैश सेल कर दिया एंड 60,000 रुपीज की हमने कौन सी सेल कर दी, क्रेडिट सेल कर दी। तो जब हम इनको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज। तो इसको बोलते हैं हम टर्नओवर। तो जब हम नगद विक्रय में उधार विक्रय भी जमा करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है टर्नओवर। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।